ट्रेन, अब हम लोग जा रहे हैं बाजार। हस्बैंड का मुंह ऐसा भूखा है अपने आप उससे बोलते चल रही है कहीं, चल रही थी चल, मैं अकेले जा रहा हूँ। मजा आता है ना ऐसा देख। आज ना हमारे यहाँ शाम को ना आ रहे हैं, कल भी शाम को आया था, आज भी शाम को आया है, और इतना हो गया सर, इतने सारे हो जाते हैं शाम को लगाने से बहुत ज़्यादा। ये देखिए मार्केट में आए हुए हैं हम लोग, सकते हैं आप। देख सकते हैं मार्केट लगा हुआ है हमारे यहाँ, पूरे में लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो आप। हमारे घर के पास ही मार्केट है, पर उन्होंने जो है दूर आना पड़ा इस बार, इससे दूर आना पड़ा कि मछली सब खत्म हो गई थी, कोई सब्जी नहीं थी घर में, और हस्बैंड है ना तो मूड ही है, मूड होता है तो आ जाते हैं, नहीं होता तो नहीं आते हैं, इसलिए। और दूर में है ना थोड़ा दिक्कत होती, साथ वाला मार्केट है हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छा मार्केट लगता, पर हमारे यहाँ पर क्या है सब्जियाँ बहुत महंगी रहती हैं, थोड़ा रिजनेबल रेट मिल जाता है। ट्रेन मार्केट से आ गई हूँ मैं, देख लीजिए मेरे लिए हस्बैंड ने डीजे वाले आम, आम अभी बहुत अच्छा आ रहा है, मस्त आम आ रहा है। तो ये देखिए आम भी आ गए हैं यहाँ पे, सब्जी बाद में निकालूंगी, पहले है ना खाना वाना बना लेती हूँ, टाइम हो रहा है मुझे ये बनाना है शाम का खाना, इसलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी देखिए गुड मॉर्निंग 12 बज गए हैं, गुड मॉर्निंग हो रही है, और यहाँ मैंने वो लगाया है चेहरे पे बेसन दही है ना, सुबह से लगी हूँ, ये फर्श ना काला हो गया था, ये देखिए बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, ये तन्नू है ना पोछा लगाती मेरी बेटी तो पूरा है ना गंदा रहता, अभी मैंने 10 बाल्टी पानी फेंका यहाँ से, ये डब्बे मब्बे सब, ये क्या हमने अभी मॉड्यूलर नहीं कराई है, बाद में कराएंगे इसको, तो अभी ये सामान हमारा देखो यहाँ रखा रहता है डब्बे, और ये देखिए पूरा साफ है ना, ऊपर के तो अभी करे ही नहीं है मैंने साफ, देखिए देखिए पूरे इतने बर्तन मांजे सुबह से उठ के, कितना काम रहता है गृहिणियों के लिए, लोग बोलते हैं ना काम नहीं करते। और अभी 10 मिनट बैठ लूँ मैं, बहुत थक गई हूँ, उसके बाद करूँगी, अभी बहुत सारा पड़ा है, पोछा पड़ा है, ये पोछा रखा हुआ है, 12 बजे करते हैं सारे बर्तन धोए पूरे उठा के, पूरे मतलब पूरे है ना साफ अच्छे से धोना पड़ते हैं ना, ये क्या फोले फोले हाथों से गंदे रहते बर्तन, ऐसे रहते चिकनाहट आ रही है। और ये है ना मैंने लगा लिया बेसन, लगा लेती थोड़ी जो टैनिंग है ना हट जाती है, पहले अभी बीच में काफ़ी हट गई थी, तो अभी थोड़ा और लगा लिया, मतलब एक हफ्ते के अंतराल में लगाते रहना चाहिए। Thank you.